किसान भाइयों, अभी ये पानी इस जगह पर पहुंचा है। वहां का मैं लोकेशन आपको कह रहा हूं कि मुंतला में ये पानी ने प्रवेश कर लिया है और सभी किसान लोग वगैरह सब यहां मेहनत कर रहे हैं। और हमारे सरपंच साहब जो भरूड़ी पंचायत के हैं, नैनजी राम जी है, बाघ सिंह जी है, और कोटकास्ता से भी ओटाराम जी वगैरह हैं, घासेड़ी से भी हैं, सभी हमारे काड़ू जी वगैरह सब युवा साथी यहाँ पर है। और किसान भाई भी साथ में मेहनत कर रहे हैं, पानी लाने के लिए प्रयास भी कर रहे हैं। और मैं आगे सरपंच साहब को पूछ रहा हूँ, सरपंच साहब आगे कब तक ये पानी घासेड़ी तक या दिलवाड़ा तक पहुँचेगा? पानी बहुत तेज गति से आ रहा था, लेकिन अभी पानी की कमी होने के कारण देखो ये बहुत अच्छी तरह से बह रहा है, लेकिन पानी यदि पादरा नदी तक पहुँचाना है, क्योंकि पानी अभी 6 इंच ही बंदे के अंदर खाली हुआ है, ठीक है। पानी की आवत बढ़िया है, लेकिन यदि आप अपन 6 इंच और खुलवा देते हैं बंदे को, तो ये पानी फोर्स से आएगा, तो ये उसका बाव क्षेत्र में बहेगा, नहीं तो ये यहीं पर पानी रहेगा। सरपंच साहब और यहाँ इसके बीच सरपंच साहब, बांदा कहाँ पर आ रही है? जो आप कह रहे हैं कि आओगे और छोड़ेंगे तो पानी जाएगा करके, तो बांदा किस जगह पर आपको आ रही है? बांदा वही है कि गेट 3 इंच सिर्फ खुला हुआ है, 3 इंच, और 3 इंच से जो पानी निकलने की क्षमता होती है, उसके अंदर कोई झाड़ है, कोई बड़ा पत्थर है, वो कुछ न कुछ अटक गया है, उसके कारण से पर्याप्त मात्रा में पानी नहीं आ रहा है। 2011 में पहले जो खोला था, उस समय पानी एकदम बहुत तेज वेग से खोला था, उसके कारण लेदरमेर पुलिया तक पहुंचा था, वो बहुत कम पानी भरा हुआ था। लेकिन अब की बार यदि यही पानी थोड़ा सा तेज गति से खोलते हैं, तो ये पादरा नदी पार करके आगे पहुंचेगा, ये हमारी गारंटी है और वादा है। आगे कोई बात हुई कलेक्टर साहब वगैरह कहीं, सरपंच साहब? कल एक्शन साहब और एसटीएम साहब बंद पर आने का बोला है, वैक्सीन जी ने बात की है, तो कल पर्याप्त मात्रा में किसान यदि पधारे हैं तो उन पर दबाव बनेगा, और अपन दो बोल उनको बोलेंगे, तो वो गेट खोलने की संभावना है। तो सरपंच साहब, कई लोग कह रहे हैं कि बीच में कहीं पाइपों के लिए ये लोग थूर वाले कोई ऑब्जेक्शन करे, ये क्या है? वो उनका आवागमन का रास्ता है, उसमें भी अपन अलग कल से अपन 2-3 पाइप और एक्स्ट्रा लगवा देते हैं, यदि बांध आगे ज्यादा खोलते हैं तो 2-3 पाइप और लगवा देंगे। लेकिन पानी तो बहुत धीमे गति से आ रहे, तो इन लोगों को कहाँ बांध आ रही है कि भाई चलने के लिए, और पाइप वगैरह वहाँ नहीं है? कोई बाधा नहीं है, लेकिन यदि अपन ज्यादा तेज गति से खुलवाएंगे तो हो सकता है कि पानी रोड के ऊपर होके टूटे। भगत सिंह जी, आपका टूट सकता है। भगत सिंह जी, आपका कहना क्या है? आज एसटीएम